प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। प्रभु ने हमको एक और अवसर दिया कि हम इस तरह से इकट्ठे होकर प्रभु के ही वचन से कुछ बातें सीख सकें, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और आज पहली बार जो भाई लोग आए हैं उनका विशेष स्वागत करता हूँ। आज के ध्यान के लिए प्रभु यीशु की जीवनी से एक पोर्शन मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। आज से 2000 साल पहले जब प्रभु इस संसार में पधारे थे तब प्रभु ने 12 शिष्य चुने थे, और 12 शिष्यों को चुनने के बारे में किस तरह से प्रभु ने चुना इसके बारे में कुछ बातें लास्ट संडे मैंने बताई थी कि किस तरह से प्रभु ने कहा कि आओ और वो सब रोजी रोटी सब छोड़कर किस तरह से प्रभु के पीछे हो लिए। और प्रभु ने उनको बताया कि देखो तुम एक ऑर्डिनरी सा पेशा छोड़कर मेरे पीछे आए हो, मैं तुमको इस संसार का सबसे बड़ा पेशा दूंगा, सबसे बड़ी नौकरी दूंगा, सबसे बड़ा कार्य दूंगा। और ऐसा ही उन लोगों के जीवन में हुआ। प्रभु के जीवन में इसके बाद प्रभु ने जो 3.5 साल पृथ्वी पर बिताए उसके बाद प्रभु की जीवनी या प्रभु के जीवन चरित्र को 4 लोगों ने लिखा है, और उन चारों में से उसको कंबाइन करके धीरे धीरे एक एक करके मैं घटनाएं आपको बताता जा रहा हूं, जिससे कि प्रभु यीशु के जीवन के बारे में एक पूरा अनुमान आपको हो जाए। तो एक बार की बात है, जब हम समाज में रहते हैं तो समाज में बहुत सारी चीज़ों के लिए लोग अपने को बुलाते हैं, बुलावा देते हैं, और अपन सब उसमें जाते हैं, प्रभु भी जाते थे। प्रभु की चौथी जो जीवनी है यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय, मैं उसमें से कुछ पोर्शन पढ़ के आपको सुनाता हूँ। 3रे दिन गलील के काना गांव में किसी का विवाह था। प्रभु यीशु की माँ भी वहां पर थी। प्रभु यीशु और उनके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। हम जानते हैं कि गांवों में जब विवाह होता है, आज भी शहरी विवाह से बिल्कुल अलग होता है। बुलाते हैं तो सारा का सारा परिवार आ जाता है, और कई बार हफ्ते हफ्ते भर प्रोग्राम चलता है। कई बार शादी से हफ्ते 10 दिन पहले या 2 हफ्ते पहले ही सारे रिश्तेदार मित्र मंडली आ जाती है, और उसके बाद एक के बाद एक कार्यक्रम होते चले जाते हैं और फिर शादी होती है। ये जो घटना मैंने आपको पढ़ के सुनाई है ये आज से 2000 साल पहले की घटना है। 2000 साल पहले तो शादी में जो कुछ तैयारी होती थी वो 2 हफ्ते पहले ही चालू हो जाती थी, और लोग सुबह से शाम तक खान पान मौज मस्ती, और उसके अलावा भजन कीर्तन पाठ प्रभु के वचन से उपदेश ये सब चलता था। इस तरह से ये जो शादी जिसकी चर्चा यहाँ पर की गई है, इसमें प्रभु की माँ गई हुई थी। माँ इसलिए गई हुई थी कि कुछ तो उनका आपसी रिश्ता था। उसके अलावा प्रभु को और प्रभु के शिष्यों को भी उस शादी का निमंत्रण था। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ने 12 मुख्य शिष्य चुने थे, उसके अलावा 70 उप शिष्य चुने थे, और उसके अलावा और भी बहुत सारे अनुयायियों को चुना था, जिससे कि वे प्रभु से शिक्षा पाकर इन शिक्षाओं को दूसरों तक पहुंचा सकें। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु के मुख्य 12 शिष्य, जिनको 3.5 साल तक इस संसार के सबसे बड़े टीचर, सबसे बड़े उपदेष्टा, सबसे बड़े शासक और इस संसार के सृष्टा ने स्वयं ट्रेन किया था, तो इस ट्रेनिंग के हिस्से के रूप में प्रभु उनको लेकर कई जगह गए थे, और उनको बताया था कि हर जगह किस तरह से तुमको व्यवहार करना है। तो वो लोग वहाँ गए, शादी के लिए गए, और जैसा मैंने बताया फंक्शन सुबह चालू होता है, रात तक चलता है, और खान पान होता रहता है, और
आजकल तो अपन बहुत कम खा पाते हैं, उस जमाने में तो लोगों की कैपेसिटी बहुत थी, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। इस तरह से जब खाते 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 अचानक एक दुर्घटना हो गई। अपने उत्तर भारत के हिसाब से बोला जाए तो सारे मेहमान आ गए, सब्जी की बढ़िया खुशबू के कारण सबको लगा कि आ हा, आज तो भरपेट पूड़ी और उसके अलावा क्या है, आलू मटर पनीर खा के यहाँ से उठेंगे, और भूख के मारे सब लोग टूट पड़े पूड़ियों के ऊपर। अचानक पता चला कि आटा खत्म हो गया है, पूड़ियाँ खत्म हो गई हैं, लोगों का पेट एक चौथाई भी नहीं भरा है। ऐसा होता है क्या? ऐसा कई बार होता है, कई बार होता है, बड़ी मुसीबत हो जाती है। लास्ट टाइम हम जब ग्वालियर गए थे तब स्पेशल मीटिंग में इतनी जनता टूटी कि जो लोग बैठकर पूड़ी बना रहे थे उनको दूसरी और तीसरी बार आटा गूंथना पड़ा। ऐसा होता है, तो जो लोग जानकार हैं उनको सब खबर मिल जाती है कि ऐसा हो रहा है, और वो सबको बिजी रखे रहते हैं जिससे को किसी को पता ना चले और सबको लगे कि हाँ पूड़ियाँ आ रही हैं, पीछे जो हो रहा है उनको जानने अपन नहीं देते हैं। ठीक है, तो ऐसा तो होता ही है। ऐसे ही आज से 2000 साल पहले मध्य पूर्व में जहाँ पर यह घटना हो रही थी उस जगह अति भयंकर गर्मी पड़ती है। अति भयंकर मीन्स अति भयंकर, अपन लोग अपने एमपी यूपी राजस्थान उड़ीसा बिहार वगैरह में 40 45 ज़्यादा से ज़्यादा 50 की गर्मी देखते हैं। अभी इन दिनों मध्य प्रदेश में 42 हो गया है और 42 पे ही लोग रोने लगे हैं, और अखबारों में खबर आने लगी है कि पिछले 70 साल में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है 42 पर, और कभी कभी गर्मी बढ़ के 45 हो जाती है, 48 हो जाती है, तो हर जगह हम जानते हैं किस तरह से महामारी हो जाती है, लोग सैकड़ों में मरने लगते हैं। ऐसे में ये मैं जिस इलाके की बात सुना रहा हूं, यहां तो 50 तो बहुत आम बात है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत आम बात है, ऐसी जगह की ये अपन घटना पढ़ रहे हैं। और जहां गर्मी इतनी बढ़ती है वहाँ खान पान के लिए लोग बैठते हैं, सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? पानी। कितना भी पानी दो लोग तृप्त नहीं होते हैं। जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ पानी की ज़रूरत होती है, इस बात को हम सब जानते हैं। आप सब लोग केरल में काम कर रहे हैं, केरल में कहीं कोई पानी का प्याऊ देखा है क्या? नहीं देखा है। क्यों? यहाँ गर्मी ज़्यादा नहीं है। और एमपी यूपी राजस्थान उड़ीसा बिहार में चले जाएं तो बस अप्रैल का महीना चालू हो गया, जगह जगह पर आपको या तो प्याऊ नजर आएंगे या पीने का पानी, बर्फ़ का पीने का पानी लेकर आदमी खड़े नजर आ जाएंगे। गर्मी जहाँ ज़्यादा है वहाँ प्यास ज़्यादा लगती है, वहाँ पीना ज़्यादा ज़्यादा पड़ता है, तब कहीं शरीर बिना लू के बचे रहता है। प्रभु यीशु जिस इलाके में थे वहाँ पर अति भयंकर गर्मी के नियंत्रण के लिए या उसके शमन के लिए वो लोग अंगूरी शरबत का उपयोग करते थे। जिस तरह से अपने उत्तर भारत में रूह अफ़ज़ा होता है, रूह अफ़ज़ा गर्मी से बहुत अधिक ठंड देता है, उसके लिए बनाया गया है, उसी तरह से प्रभु यीशु के उस इलाके में अंगूर का बना हुआ बहुत ही स्वादिष्ट शरबत पानी के रूप में परोसा जाता था। जी हाँ, वहाँ पानी तो परोसते ही नहीं थे। बस आपने देखे कि अब तो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, लेकिन किसी ज़माने में अपने उत्तर भारत में चमड़े के बने हुए बड़े मश्क आते थे जिसमें पानी भर के ले जाके लोग छिड़काव करते थे, तो उस तरह से चमड़े के बने हुए बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े मश्क होते थे जिसमें अंगूरी शरबत भर दिया जाता था, और बस जो शरबत देने वाला है मतलब पानी देने वाला है वो बस जाते हर एक के बर्तन में डालता चला जाता था, और यदि अंगूरी शरबत मिलने में कोई देर हो गई तो प्यास के मारे लोगों की हालत खराब हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर एक समस्या थी। समस्या क्या है?
कि जिस तरह से रूह अफ़ज़ा को बनाने में कई दिन लगते हैं, उसी तरह से उस इलाके में शादी ब्याह में जो अंगूरी शरबत परोसा जाता था उसको बनाने में 2 से 4 हफ्ते लगते थे। खासकर अच्छी क्वालिटी का अंगूरी शरबत हो तो उसको 2 से 4 हफ्ते लगते थे। पहले अंगूर लाओ, छटाई करो, सफाई करो, उसके बाद उसको कुचलो, बहुत लंबा प्रोसेस था। शादी के लिए वो लोग जाकर दुकानों से बहुत बड़े 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 बर्तनों में लाकर भरकर घर में बड़े बड़े टंकियों में भर देते थे और तब लोगों को पिलाते थे। और यदि अचानक ही अंगूरी शरबत खत्म हो जाए तो क्या होगा? बड़ी मुसीबत हो जाएगी। खासकर यदि शाम का समय हो तो शाम के समय सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि जो लोग बेचते हैं वो तो ताला लगा के घर चले जाएंगे। उस जमाने में बिजली तो होती नहीं थी। बिना बिजली के मारे मारे आप जाकर उस आदमी को पकड़कर उससे कहो कि भैया वो अंगूरी शरबत जो है वो ख़त्म हो गई है, इसलिए अब 100 सुराही अंगूरी शरबत देना। ये सब किसी के वश की बात नहीं है। और यदि ये सब करते भी हैं तो कम से कम 2-3 घंटे का समय लगेगा इंतजाम का, कम से कम 2-3 घंटे का टाइम लगेगा इंतजाम करने में। बल्कि हम सब जानते हैं कि गांव का जीवन कैसा होता है, लोग दूर दूर रहते हैं, इसलिए इन सब चीज़ों का इंतजाम करके लाने में बड़ी परेशानी हो जाएगी। क्या करेंगे? जिन लोगों ने मैरिज या इस तरह के फंक्शंस अरेंज किए हैं वो लोग जानते हैं कि जब इस तरह की कोई कमी हो जाती है तो समझदार वो है जो इंतजाम भी कर दे और लोगों को पता भी ना लगने दे कि यहाँ पर कमी हो गई थी। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। जब प्रभु यीशु की माँ को पता चला कि इस तरह की पार्टी में सबसे महत्वपूर्ण चीज अंगूरी शरबत खत्म हो गई है तो तुरंत वो अपनी जगह से उठी और उन्होंने प्रभु यीशु के पास जाकर प्रभु से बोला, उनके पास अंगूरी शरबत नहीं रहा। प्रभु ने तुरंत अपनी माँ को जवाब दिया। देखिए, प्रभु ईश्वर मनुष्य के रूप में संसार में पधारे हैं इस बात को सबसे अच्छी तरह से मरियम प्रभु की माँ जानती थी। क्यों? इसलिए कि प्रभु के जन्म के बारे में सबसे पहले स्वर्गदूतों ने मरियम को जाके सूचना दी थी, मरियम को बताया था कि हे मरियम, प्रभु की ओर से इस जगत के मुक्तिदाता तुम्हारे गर्भ में आएंगे और तुम्हारे द्वारा जन्म लेंगे और ये प्रभु अपनी दिव्य शक्ति से ऐसा कर रहे हैं। तब मरियम को एकदम आश्चर्य हुआ था प्रभु की माँ को, और उन्होंने स्वर्गदूत से कई बातें पूछी। तब स्वर्गदूत ने उनको ये इन सारी बातों का डिटेल में जवाब दिया तो मरियम इस बात को समझ गई कि संसार की करोड़ों स्त्रियों में से प्रभु की ऐसी अपार दया हुई कि प्रभु ने उस कन्या को चुन लिया कि उस कन्या के द्वारा प्रभु इस संसार में आए। और जब ये बात मरियम को समझ में आ गई तब से मरियम ये बात भी समझ गई कि प्रभु यीशु मनुष्य के रूप में इस संसार में जरूर आए जरूर हैं, लेकिन प्रभु मनुष्य नहीं है, ये प्रभु है जो मनुष्य के रूप में आए हैं। और इसलिए मरियम को ये भी मालूम था कि प्रभु की कैपेसिटी क्या है, प्रभु की ताकत क्या है, प्रभु की सामर्थ्य क्या है। वो ये भी जानती थी कि प्रभु से ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। और इसलिए जैसे ही अंगूरी शरबत खत्म हुई, जैसे ही मरियम को ये बात पता चली, वैसे ही उसने जाकर प्रभु से सिर्फ एक वाक्य में अपना रिक्वेस्ट, अपना अनुरोध प्रस्तुत किया, उनके पास अंगूरी शरबत नहीं है, अंगूरी शरबत खत्म हो गया। बस हम इस बात को जानते हैं कि जो माँ बाप अपने बच्चों से बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट रखते हैं, स्नेह करते हैं, कई बार उन माँ बाप को एक वाक्य बोलना पड़ता है और बच्चा सब कुछ समझ जाता है। मरियम इस बात को जानती थी कि प्रभु जो
जन्म से लेकर 30 साल अपनी माँ के और अपने बाप के साथ रहे हैं, वो अपने माँ की मंशा को, उनके मन की इच्छा को समझ जाएंगे। तो जब प्रभु की माता ने जाकर प्रभु से कहा कि उनके पास तो अंगूरी शरबत समाप्त हो गया, असंभव बात हो गई, अनहोनी हो गई, तो प्रभु समझ गए कि माँ क्या चाह रही है। प्रभु ने उनको एक बहुत ही विचित्र जवाब दिया। जवाब ये था, अभी मेरा समय नहीं आया है, आप काहे को मुझसे आके इस तरह से बोल रही हैं, अभी मेरा समय नहीं आया है। कोई औसत महिला होती तो यह सुन के एकदम से निराश हो जाती कि इस पूरे ब्रह्मांड का सृष्टा, जिसने इस संसार में मेरे द्वारा मनुष्य रूप धारण करके जन्म लिया, उससे मैंने एक छोटी बात मांगी और उसने मना कर दिया, ऐसा कैसे हुआ? नहीं, प्रभु की माँ ने ऐसा नहीं फील किया। प्रभु की माँ ने क्या किया? प्रभु ने जो बोला उसको सुना और उसके बाद माँ ने जाकर नौकरों को बुलाया और उनसे कहा, वहां लिखा है उनकी माँ ने सेवकों से कहा, जो कुछ वे तुमसे कहे वही करना। माँ को मालूम था कि इस पूरे विश्व के सृष्टा, मनुष्य की जरूरत जब उनके सामने रख दी जाती है, या जब उनके प्रति जिसके मन में भक्ति है वो व्यक्ति भक्ति और भय और स्नेह आदर और उम्मीद के साथ जब जाकर सृष्टा के सामने अपनी जरूरत पेश करेंगे, तो सृष्टा कभी भी मना नहीं करेंगे, कभी उपेक्षा नहीं करेंगे। माँ इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए प्रभु के बाहरी शब्दों पर ना जाकर उन बाहरी शब्दों का मतलब मन ही मन समझने के बाद माँ ने जाके दासों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वो करना। माँ ने इस तरह से इंस्ट्रक्शन इसलिए दिया कि वो तो घर की बुजुर्ग थी, उनको तो सब पहचानते थे, प्रभु यीशु को उस समय कोई नहीं पहचानता था। प्रभु ने अपने अद्भुत कार्य आरंभ नहीं किए थे, इसलिए कोई नहीं जानता था कि ये कौन है। बस घर में बहुत सारे लोग आए थे, उन लोगों के बीच में 30 साल का एक युवा अपने 10-12 शिष्यों के साथ आया हुआ, इस तरह के बहुत सारे 30 साल के युवा उस इलाके में रहे होंगे, और ऐसे बहुत सारे लोग तो थे जो चेले चपाटों के साथ हर जगह यात्रा करते थे। तो घर में किसी और को नहीं मालूम था कि ये कौन है, इसलिए माँ को जाके सेवकों को ये बताना पड़ा कि जो कहे, जैसा वो कहे वैसा ही करना। इसके बाद माँ चली गई। उसको मालूम था कि जरूरत जिस व्यक्ति को बतानी है, उस व्यक्ति को मैंने इस घर की आवश्यकता बता दी है, अब जगत के सृष्टा की जिम्मेदारी है कि वे इस समस्या का हल करें या ना करें। क्योंकि सृष्टा चाहे तो वो ये डिसाइड कर सकता है कि नहीं, इसका मैं हल नहीं करूंगा। ऐसा कई बार होता है जब हम प्रभु से याचना करते हैं लेकिन प्रभु नहीं देते हैं, उसके पीछे भी प्रभु की योजना हो, इस बात को हम याद रखें, उसके पीछे भी प्रभु की योजना है। प्रभु जब किसी चीज को मना करते हैं तो उसके पीछे भी प्रभु की योजना है, और हम जब प्रभु यीशु की जीवनी को आगे पढ़ेंगे तब एक युवा विश्वासी के बारे में पढ़ेंगे जिसकी मृत्यु हो गई थी। युवा उस मित्र की जब मृत्यु हुई तब प्रभु से उस युवा वो विश्वासी प्रभु के अनुयायी की बहनों ने जो अनुरोध किया, प्रभु ने उसको नहीं सुना, प्रभु ने उसकी उपेक्षा कर दी। लेकिन आगे जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तब पता चलता है कि प्रभु ने ऐसा क्यों किया। तो इस जगत के सृष्टा के सामने जब हम अपनी जरूरत ले जाकर पेश कर देते हैं, और जब सृष्टा के ऊपर, सृष्टिकर्ता के ऊपर छोड़ देते हैं कि इसका हल क्या होगा, तो यस भी बोल सकते हैं, नो भी बोल सकते हैं। लेकिन मरियम को इस बात की फिक्र नहीं थी। माँ इस बात को जानती थी कि यदि प्रभु कुछ करेंगे तो नौकरों के द्वारा करेंगे, क्योंकि उठाना, ले जाना, परोसना सब नौकरों का काम है, और इसलिए प्रभु यदि नौकरों से कुछ बोलते हैं तो नौकर उस बात के लिए तैयार रहें, इसलिए माँ ने इंस्ट्रक्शन दे दिया।
प्रभु ने क्या किया, जब माँ वहाँ से चली गई तो प्रभु ने सातवें पद में हम देखते हैं, प्रभु ने उन दासों से कहा मटकों में पानी भर दो। किन मटकों में? यह जो हिंदी शब्द मटका जब पढ़ते हैं तब आपको लगेगा कि वो अपन गर्मी के दिनों में जो मटके यूज़ करते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक बाल्टी पानी आती, नहीं, ये ऐसे मटके नहीं थे। इसके पहले लिखा है वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके थे जिनमें दो दो तीन तीन मन समाता था। अब आजकल तो मन वगैरह का हिसाब चला गया है, फिर भी मुझे अनुमान है कि गांव से यहाँ जो लोग आए हैं उनको याद है, उनको मालूम है कि एक मन कितना होता है। मेरा तो सारा जीवन शहर में बीता, इसके बावजूद मैं जानता था कि 4 पाव का 1 शेर होता है और 40 शेर का 1 मन होता है क्या? तो वहाँ ऐसे मटके थे जिसमें एक एक में कितने मटके, दो दो तीन तीन मटके, मतलब एक के अंदर 80 से लेकर 120 लीटर, एक बाल्टी पानी सिर्फ 16 लीटर होता है, ये मैं याद दिला दूँ। तो यहाँ ऐसे बड़े बड़े विशालकाय मटके थे जो इनका उपयोग अंगूरी शरबत बनाने के लिए नहीं था। ये यहूदी लोग बहुत साफ सफाई के बड़े पाबंद थे, इसलिए लगभग हर घर में बाहर की तरफ आंगन में बड़े बड़े पत्थर के मटके रहते थे जिसमें पानी भर दिया जाता था और जब कोई मेहमान आता था तो पहले वो अपना पैर धोता था। आजकल अपने घर में कोई आता है तो अपन कहते हैं बैठिए पानी पीजिए, जल लीजिए। उसी तरह से यहूदियों के घर में कोई आता था तो स्वागत में पहला वाक्य होता था आइए पैर धोइए, तो इन मटकों से वो पैर धो के फिर वो अंदर आके बैठता था। जनरली घरों में एक आध मटका होता था, लेकिन ये कोई धनी परिवार था इस कारण वहाँ पे इतने सारे 6 मटके रखे हुए थे। प्रभु ने नौकर से कहा भर दो उनको पानी से। नौकरों को नहीं मालूम था, लेकिन उनको ये मालूम था कि प्रभु की माँ ने बोला है कि प्रभु जो कहें वैसा ही करना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुंह मुंह भर दिया। जनरली अपन भरते हैं तो 2-3 इंच कम से कम खाली छोड़ देते हैं, लेकिन माँ ने जो कहा था उससे इन नौकरों को कुछ तो बात समझ में आई कि यहाँ कुछ तो विशेष है, कुछ तो दिव्य है। और इसलिए जब प्रभु ने कहा कि भर दो तो उन्होंने मुंह 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 तक भर दिया, कुएं थे कुएं से पानी लाके भर दिया। ठीक है, तो यदि मान लीजिए सिर्फ 80 एक में आता है तो 648, मतलब 500 लीटर के करीब पानी उसमें भर दिया गया। 500 लीटर जब पानी भर दिया गया तब प्रभु ने उनसे कहा अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। देखिए जरा उस घटना को जरा हम सोच के देखें, कोई आया हुआ है, उससे हमने कहा कि शरबत पिलाते हैं और गर्मी के मारे थका प्यासा वो शरबत के इंतजार में है और हम उसको ले जाकर पानी पेश कर रहे हैं, ताजो उसको शौक लगेगा या नहीं लगेगा? प्रभु ने ऐसी ही बड़ी शॉकिंग बात उनसे कही कि अब उन मटकों में तुमने जो कुछ भरा है उसको ले जाके पिलाओ। लेकिन नौकरों ने जैसे ही मटकों से पानी निकालना शुरू किया वो समझ गए उस दिव्य पुरुष के कारण, इस संसार के सृष्टा के कारण, संसार के सृष्टा जो मनुष्य के रूप में पधारे हैं उनके कारण वो 500 लीटर या उससे अधिक सादा पानी अब अंगूरी शरबत में बदल चुका है। नौकर उसको चख के तो देख नहीं सकते, वहाँ बहुत कड़ी व्यवस्था थी। उन्होंने ले जाकर उसको वहाँ पर दिया। अच्छा, किसको दिया? इसके मामले में भी प्रभु ने एक इंस्ट्रक्शन दिया। प्रभु ने ये नहीं कहा कि ले जाके बांट दो, प्रभु ने कहा उसको ले जाकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। उस जमाने में एक कस्टम था कि जब शादी के लिए लोग आते हैं तब समाज के किसी बहुत ही प्रतिष्ठित, किसी बहुत ही जनसम्मत,
किसी पॉपुलर व्यक्ति को मुख्य या भोज का प्रधान माना जाता था या रखा जाता था, और इसलिए जो कुछ परोसा जाता था वो सबसे पहले भोज के प्रधान को परोसा जाता था, और जब प्रधान उसमें से भोग लगा लेता था उसके बाद बाकी लोगों को परोसा जाता था। तो दासों से कहा कि ले जाओ भोज के प्रधान को दो। तो भोज का प्रधान तो वो व्यक्ति है जो वहाँ बैठा बैठा जो कुछ परोसा जा रहा है उसमें से सर्वश्रेष्ठ का भोग लगा रहा था शुरू से। तो उसने अंगूरी शरबत भी सुबह से पी रहा था, खाना भी खा रहा था, जो भी उस जमाने का हलवा माल पुआ पूरी रहा होगा सब खाता रहा था। जब इन्होंने ले जाके अंगूरी शरबत दिया तो उसने उसको चखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। उसने जीवन में कभी इस तरह का अंगूरी शरबत कभी नहीं पिया, हैरान हो गया। ना केवल हैरान हो गया, उसने दो चार बार पी के देखा होगा कि मुझे गलतफहमी तो नहीं हो रही है। जब उसको पता चला कि इतना स्वादिष्ट है तो वो घर के मालिक के पास गया। भोज के प्रधान ने घर के मालिक से पूछा, दसवें पद में दूल्हे को बुलाकर पूछा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा अंगूरी शरबत देता है और लोग पीकर चक जाते हैं तब मध्यम देता है, तुमने तो सबसे अच्छा सर्वोत्तम सबसे आखिर तक बचा रखा, इसका क्या रहस्य है? देखिए, इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। हम सब भोजन वस्तु पसंद करते हैं, ठीक है, शरबत पसंद करते हैं। मारे भयानक प्यास के, मान लीजिए गर्मी से आप घर आए हैं, आपको एक ग्लास रूह अफ़ज़ा दिया जाता है तो आप आधे सेकंड में उसको पी जाएंगे। आपको दूसरा ग्लास दिया जाएगा, आप लेंगे या नहीं लेंगे? अरे ज़रूर लेंगे। मैं तो मध्य प्रदेश का अनुभवी हूँ, वहाँ तो भयानक गर्मी के समय यदि आपको पहली ग्लास दी जाए और वो फिर दूसरा ग्लास पेश करे तो दूसरा भी आप पी लेंगे, तीसरा भी पी लेंगे, और चौथा शायद शर्म के बारे ना पिए, लेकिन यदि आपका दोस्त हो कि अरे पी ले यार तुझे प्यास लग रही है तो चौथा ग्लास भी पी लेंगे। लेकिन एक बात बताइए, चौथी ग्लास रूह अफ़ज़ा या शरबत पीने के बाद पाँचवीं ग्लास आपको दे तो पाँचवा ग्लास भारी पड़ जाएगा, है ना? उसको जैसे तैसे पी लिया, फिर छठा ग्लास आपको दिया जाता है, छठे ग्लास के आते आते ना केवल आपका पेट भर चुका होता है, आप छक जाते हैं। इसी को अपन छकाना बोलते हैं कि हाँ खा पी के छक गए। एक ऐसी स्थिति आती है हमारे ही स्वयं के जीवन में जब हम छक जाते हैं, और छकने के बाद फिर आप किसी भी चीज को खाने या पीने की कोशिश करें वो टेस्ट नहीं रह जाता है। जिन्होंने खीर पिया है वो जानते हैं, पहली ग्लास खीर आ हा हा हा, दूसरी ग्लास और मजा आ गया, तीसरा छकने लगे, चौथा छक गए, पांचवा अब तो उल्टी आने लगी है। उस जमाने में लोग क्या करते थे, शादी ब्याह में सबसे महंगी अंगूरी शराब परोसते थे, लेकिन जब गांव से सब लोग आ जाते हैं उनके पीने की कोई लिमिट नहीं है, आप कंगाल हो जाएंगे। तो वहां का एक कॉमन तरीका था, बहुत ही कॉमन तरीका था कि खूब सारा महंगा अंगूरी शरबत लाओ, पहले लोगों को पिलाओ, जब आपको लगे कि वो छक गया है उसके बाद वो दूसरी टंकी में जो सस्ता माल है, जो ना तो मीठा है ना जिसमें कोई स्वाद है, उसको ले जाके डालो। वो छक गया है इसलिए अब उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये सस्ता माल दिया जा रहा है। प्रधान ने जब पिया तो उसको एकदम से पता चल गया कि अरे हम अभी तक जो पी रहे थे ये तो उससे बहुत ही उत्तम है। इसलिए जाकर दूल्हे से पूछते हैं, हर एक मनुष्य पहले अच्छा अंगूरी शरबत देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, तुमने तो अच्छा अंगूरी शरबत
अब तक रख छोड़ा है। कैसा? तो जरा सोचिए कि उस दिन लोगों के मन में कैसा आश्चर्य हुआ होगा। हाँ, जब ये बात फूट गई, मतलब जब जब मुख्य अतिथि ने जब ये बात कही दी, तो नौकरों में से किसी ने बोल दिया होगा, उन्होंने भी पूछा होगा नौकरों से, या नौकरों ने किसी, कोई भी बात लोगों के पेट में पचती नहीं है, किसी ना किसी ने बता दिया होगा कि वो जो 30 साल के युवा हैं, जिनको आप एक महज युवा समझ रहे हैं, उन्होंने ये 6 मटके जो रखे हैं इनमें पानी भरवाया था, और उसके बाद वो पानी लेकर आपको सर्व करने के लिए बोला, और देखिए क्या हो गया, उस पानी का वो जल सर्वोत्तम अंगूरी शरबत में बदल गया। प्रभु ने अपने सेवा जो 3.5 का सेवा काल था उसमें ये पहला अद्भुत कार्य किया। सब जगह प्रभु की कीर्ति फैल गई, प्रभु की प्रशंसा फैल गई कि ये वो व्यक्ति है जो सादे पानी को अपने मन की आज्ञा के द्वारा सर्वोत्तम अंगूरी शरबत में बदल सकता है। ये सचमुच में इस जगत के सृष्टा ईश्वर है। इस तरह से बाइबल में लिखा हुआ है कि प्रभु ने अपना पहला अद्भुत कार्य दिखाकर अपनी महिमा, मतलब मैं कौन हूँ, इसको प्रकट किया, और उनके चेलों ने उन पर विश्वास किया। उनके चेले जानते थे कि प्रभु दिव्य पुरुष हैं, लेकिन जब ये अद्भुत कार्य किया तो वे समझ गए कि प्रभु सृष्टा है, इस पूरे विश्व के सृष्टा है, जो कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद प्रभु 3.5 साल तक सेवा शुश्रूषा करते रहे। लेकिन इस घटना में हम हमारे जीवन की बहुत महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सब इस बात को जानते हैं कि चाहे कितनी भी अच्छी तैयारी करें, लेकिन कोई ना कोई कमी या घटी रह जाती है। चाहे शादी ब्याह हो, मकान बना रहे हो, नौकरी कर रहे हो, नौकरी के लिए इंटरव्यू में गए हो, परीक्षा दे रहे हो, ऐसा होता है। मुझे तो ये बात अच्छी तरह से मालूम है, जब बहुत ही अच्छी तरह से खूब मेहनत करके एग्ज़ाम देने के लिए पहुँचे, मन बहुत खुश कि आज तो सारे प्रश्न जो भी आएंगे उसका जवाब दूंगा, तो चेहरे पे जो रोशनी है उसे देख के दोस्त पूछता है, फलाना विषय देख लिया क्या? तब याद आता है, फलाना विषय वो भी सिलेबस में था क्या? हाँ हाँ, वो भी सिलेबस में, तुमने नहीं देखा क्या? नहीं देखा। तब याद आता है, तब समझ में आती है बात कि पिछले साल भर से हम इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, लेकिन फिर भी मेरी तैयारी में घटी रह गई। तब सिर्फ एक रास्ता रह जाता है, प्रभु मैंने अपनी समझ से, मैंने जानबूझकर कोई लापरवाही नहीं की, मैंने अपनी समझ से सारी तैयारी की, लेकिन प्रभु अज्ञानी मनुष्य हूँ, एक गलती हो गई, आज मुझ पर अपनी करुणा दिखाए। हम प्रार्थना करते हैं या नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। यदि आपने मकान बनवाया हो तो आप जानते हैं कोई भी मकान कभी भी पूर्ण नहीं होता है। हमेशा मकान बना के जब मस्त आप उसमें जी रहे हैं, तब आपका कोई मामा या चाचा कोई भी आके कहता है, अरे भैया मकान तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे एक एग्जॉस्ट फैन और लगवा देते तो कमरे में गर्मी कम हो जाती। तब लगता है कि इतनी मेहनत की और जरा सा एक छेद वहाँ पे डालना रह गया, उसके कारण मामा जी टोक गए, और अब मन में ये हमेशा ये रहेगा कि एग्जॉस्ट होता तो गर्मी कम रहती। होता है कि? बिल्कुल होता है, मेरे साथ हुआ था। मैंने मकान बनवाया 22 साल पहले। इस 22 साल में हर दिन कुछ ना कुछ नया सोचता रहता है कि अरे ये कम रह गया, वो कम रह गया, ये कम रह गया। जीवन कमी या घटी से भरा रहता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई ना कोई कमी या घटी ना हो। हम में से हर व्यक्ति उस कमी या घटी को पहचानता है, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर
जीवन में जो कमी या घटी है उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। छुपाने से कमी या घटी नहीं चली जाती। आपने वो कहानी सुनी है क्या, माँ मर्तबान भर के इमली रख के गई थी, माँ के जाने के बाद बच्चों ने जाके उसमें से कुछ इमली निकाल ली। किसी ज़माने में इमली वगैरह के पीछे बच्चे मरते थे, मेरे बचपन में ऐसा था। जब खूब सारी इमली निकाल के भरपेट खा लिया तो बड़ी वाली बहन जो लीडर थी उसने देखा कि अरे मर्तबान, उसमें से एक तिहाई खाली हो गया है, माँ तो इसको भर के गई थी और अब माँ आएंगी तो वो पूछेंगी कि एक तिहाई इमली कहाँ है। तो बड़ी चालाक है, उसने क्या किया, सारी इमली बाहर निकाली। उसके बाद उसको दबा के फूला फूला के उस इमली को माँ ने दबा दबा के डाला था, इसने फूला फूला के मर्तबान में वो सारी इमली ऐसे डाल दी, मर्तबान फिर से भर गया, माँ को पता नहीं चला। अब सवाल था कि ये जो सैकड़ों बीज थे इसका क्या करें, इतना टाइम नहीं था कि उसको जला सके। तो उसने कहा कि ऐसा करते हैं, घर के पीछे अपन जमीन खोद के उसमें इसको गाड़ देते हैं। तो उन्होंने वो सैकड़ों बीज को जमीन खोद के उसमें गाड़ दिया और उसके ऊपर बड़ी वाली वो शानी थी, उसने हाथ ऐसा फेरा कि किसी को पता भी नहीं चलता है कि वहाँ कभी खोदा गया था। आसपास बहुत सारे पौधे थे जिनमें रोज पानी डाला जाता था और इसलिए जब पानी और डाल दिया गया तो किसी को पता ही नहीं चला कि जमीन के नीचे कुछ नहीं है, कि कुछ गाड़ दिया गया है। दो हफ्ते के बाद माँ सुबह जब घर के पीछे अपने किचन गार्डन में पानी डाल रही थी तो एक जगह जमीन फटी हुई नजर आई। तो उनको लगा कि जमीन कैसे फट रही है, कोई मेरे किचन गार्डन में आके कोई जानवर तो खोद खाद नहीं रहा है। पास जाके देखा तो जमीन जो फट रही है उसमें से बहुत सारे बीजों से धीरे 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 छोटे 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 निकल रहे हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि यहाँ तो पचासों बीज मालूम पड़ते हैं, मैंने तो एक बीज भी नहीं डाला था, हो सकता है घर में और किसी ने डाला हो। तो उस दिन तो उसकी उपेक्षा कर दी, पानी भी डालती गई कि किसी ने घर में डाला होगा। चार पांच दिन के बाद इमली का पौधा जब धीरे 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 अंकुर बढ़ता है तो आपने देखा होगा बीज अंकुर के साथ मिट्टी के बाहर आ जाता है, अंकुर के जो यूं मुड़ा हुआ सिर है उसका दोनों तरफ बीज यूं लगा रहता है। तो तीन चार दिन के बाद माँ ने देखा तो ये तो इमली के बीज हैं। उनको बड़ी जिज्ञासा हुई कि यहाँ तो इमली के बीज किसी ने डाले नहीं थे। तो जिज्ञासा के कारण उन्होंने बुलाया बच्चों को, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, यहाँ इमली के बीज किसने डाले। जिस घर में चार पांच बच्चे होते हैं सब एक समान झूठ नहीं बोल पाते हैं, खासकर सबसे छोटा वाला वो कुछ ज़्यादा ही अपने को समझदार दिखाने की कोशिश करता है। तो सबसे छोटा वाला बोल दिया कि नहीं दीदी ने नहीं डाले, बड़ी दीदी ने ये बीज यहाँ नहीं डाले थे। बस माँ ने कान पकड़ लिया और उसको सब मनवा लिया। ठीक है, देखिए बीज खाए थे, इमली खाई थी, गलत कार्य किया था, लेकिन गलत कार्य करने के बाद उनके जीवन में जो जरूरत थी उस जरूरत को वो लोग छुपा गए। जरूरत क्या थी, जरूरत ये थी कि माँ से जाके बोलते, माँ इमली देखते हैं जी मचल जाता है, मर्तबान भर के इमली हमने देखी तो हमारा मन चल गया और हमने उसमें से कुछ इमली उठाकर खा ली। जरूरत इस बात की थी कि वे जाकर माँ से कन्फेस करे, अपनी गलती स्वीकार करे और माँ उसको क्षमा कर देती। मैं बताता हूँ मेरे प्रिय भाइयों, मैं गारंटी से बोलता हूँ कि ज़्यादातर माँ बाप जब बच्चे जाकर माँ बाप को सच बता देते हैं तो क्षमा कर देते। मैंने भी दो बच्चे पाले हैं और कोई ऑर्डिनरी बच्चे नहीं, ऐसे बच्चे
जो हर तरह की शरारत करने में उस्ताद थे, लेकिन हमारा एक प्रिंसिपल था घर में कि गलती की हो, मनुष्य है, गलती करता है, लेकिन गलती की हो आकर ईमानदारी से यदि हमको बता दो कि तुमने गलती की है, तो सजा देने के बदले हम उसका और कोई रास्ता निकालेंगे। लेकिन इन बच्चों ने माँ बाप को जो बताना था उसको बताने के बदले अपने तरीके से रास्ता निकाला, अपने तरीके से उसका हल निकाला। हल हुआ क्या? उल्टे सजा और मिल गई, प्रमाण और मिल गया, और ये भी प्रमाण मिल गया कि उन्होंने कितनी इमली खाई थी, वरना माँ ने नहीं पूछा होता। पूछा कि बेटे तुमको पेट में दर्द तो नहीं है, माँ ने उसको भुला दिया होता। जीवन में जब कोई जरूरत होती है तब हम में से हर एक की टेंडेंसी इस बात की ओर होती है, झुकाव इस बात की ओर होता है कि जो जरूरत है हम उसका इनकार करें। मैंने गलत किया है ये जाकर माँ से बोलने के बदले उसको हम छुपाएं। इस घटना में हम देखते हैं कि इतने सारे मेहमानों के बीच में जब उस परिवार में इतनी बड़ी एक जरूरत आई, तो जो उस परिवार में जरूरत है, जो समस्या है, उस समस्या को छुपाने के बदले प्रभु यीशु की माँ ने ना केवल उस समस्या को समझा, बल्कि उस समस्या को ले जाकर जिस व्यक्ति के सामने प्रेजेंट करना था, जिसके सामने प्रस्तुत करना था, उस व्यक्ति के सामने ले जाके प्रस्तुत किया। नंबर वन, समस्या क्या है इसको समझना है। नंबर टू, किसके सामने प्रस्तुत करना है। आपने इमली चोरी की और पड़ोस में किसी अंकल या आंटी से जाके सिफारिश करवाते हैं, आपकी माँ खुश नहीं होगी। मेरे बच्चे यदि कोई गलती करते हैं और यदि उस गलती से क्षमा के लिए दूसरे से सिफारिश करवाएं, मुझे खुशी नहीं होगी। मैं तो चाहूँगा कि जिन बच्चों को मैंने अथाह प्यार करके पाला है, वे मुझसे डायरेक्टली आकर बोले, डैडी मुझसे ऐसी गलती हो गई, माफ़ कीजिएगा, या उसके लिए एक हल निकालना है, डैडी मैं नहीं कर पाऊंगे, अब सब आपके हाथ में है। इस घटना में हम देखते हैं जब एक जरूरत हुई, वहां पर एक समस्या हुई, प्रभु की माँ ने उस समस्या को समझा, घर की बुजुर्ग महिला थी, उन्होंने उसको समझा, और समझने के बाद वहां जाके सबके बीच में ढिंडोरा पीटने के बदले कि अरे अंगूरी शरबत खत्म हो गया, कैसी तैयारी थी, नहीं, उन्होंने चुपके से जाकर इस संसार के सृष्टा जो वहाँ अपने शिष्यों के साथ बैठे थे उनसे जाकर, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं, सिर्फ एक बात, उनके पास अंगूरी शरबत समाप्त हो गया है। एक वाक्य में उन्होंने अपनी जरूरत जिस व्यक्ति को बतानी थी उस व्यक्ति को बताया, और मन में इस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ से गई कि सृष्टा इसका हल निकालेंगे, और जाते जाते नौकरों से कह गए कि वो तुमसे जो बोले वैसा ही करना। उसका रिजल्ट क्या हुआ? थोड़ा सा माँ को इंतजार करना पड़ा, क्योंकि प्रभु ने माँ से एकदम कहा, माँ मेरा टाइम अभी नहीं आया है। जब हम प्रभु से कोई याचना करते हैं, जब कोई रिक्वेस्ट करते हैं, तब कई बार प्रभु कहते हैं कि वेट वेट बेटा, जरा रुक जाओ। ऐसा ही प्रभु ने अपनी माँ से किया था, लेकिन उसे माँ के जीवन में जो आशा है, जो उम्मीद है, वो समाप्त नहीं हुई। जाते में नौकरों को जो निर्देश देना है देती गई, वैसे ही मेरे और आपके जीवन में यदि हम अपनी जरूरत को पहचान लेते हैं, तो पहचानने के बाद उसको सही व्यक्ति के पास ले जाएं, इधर उधर अड़ोस पड़ोस में नहीं, सही व्यक्ति के पास ले जाकर उसको उस व्यक्ति के हाथों में देने के बाद वो व्यक्ति थोड़ा सा देरी करे, डिले करे, तो भी आशा न छोड़े, बल्कि उस व्यक्ति पर विश्वास करें कि वो हल जरूर निकालेंगे। उसके साथ एक काम और करना है, जीवन में जो जरूरत है उसको पहचाना, प्रभु को बता दिया, प्रभु के ऊपर इंतजार कर रहे हैं, उसके साथ साथ एक काम और करना है, मेरी और आपकी जो जिम्मेदारी है उसको पूरी करते चले जाए। इसीलिए प्रभु की माँ ने कहा था कि जो तुमसे बोले वो करना, और उन नौकरों से जब प्रभु ने कहा कि पानी भर दो, तो उन्होंने लबालब उन टंकियों को भर दिया, मतलब पानी कुएं से लाकर ये 8 टंकियां भरना कोई आसान काम नहीं है।
और जब पानी डालते जा रहे थे वहां कुछ नहीं हो रहा था, पानी ही था। मतलब जब तक प्रभु का समय नहीं आया तब तक प्रभु ने उनसे जो कहा उस कार्य को विश्वास योग्यता से करते हुए जाना है। मेरे और आपके लिए यही है, जरूरत को पहचानें, प्रभु के पास ले जाएं, प्रभु का इंतजार करें, और प्रभु का जब इंतजार करते हैं उस समय मेरे और आपके जीवन में प्रभु ने जो जिम्मेदारियां दी हैं उन जिम्मेदारियों को विश्वास योग्यता से पूर्ण करते चले जाएं। ये तीन बातें आज मैं आपको बताना चाहता था। इससे संबंधित थोड़ा सा और दो चार वाक्यों में स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। हमारे जीवन में नौकरी की जरूरत है, रोजी रोटी की जरूरत है, परिवार को पालने की जरूरत है, जो पढ़ रहा है उसको पढ़ने लिखने की और बुद्धि की जरूरत है। कई बार एग्जाम से ठीक पहले सब भूल जाते हैं, ऐसा होता है कि बिल्कुल होता है। मेरे जैसे व्यक्ति के जीवन में जो कि इस तरह से पब्लिक में प्रभु के वचन की शिक्षा देता है, मेरे लिए जीवन में सबसे बड़ी समस्या क्या हो सकती है? आपको पुलपिट में खड़े होना है और उस दिन आपके बदले खड़े होने के लिए कोई और व्यक्ति मौजूद नहीं है, और 15 मिनट पहले आपकी बोली बंद हो जाए, आवाज़ बंद हो जाए, ऐसा होता है क्या? होता है, मेरे साथ हो चुका है। आज से लगभग 20 साल पहले यहीं आलुवा में YMCA नाम की जगह पर युवा और युवा युवतियों की एक सभा में मुझे बाइबल और साइंस विषय पर बोलना था। बाइबल एंड साइंस ऐसा विषय है जिसके ऊपर सिर्फ वही व्यक्ति बोल सकता है जिसने उसमें कुछ पढ़ाई की हो। मैसेज के ठीक 30 मिनट पहले मेरी आवाज चली गई। मतलब मैं जोर से बोलने की कोशिश करूं तो भी सिर्फ फुसफुसाहट की आवाज। जरा सोचिए कैसी विकट स्थिति थी। आयोजक लोग घबरा गए क्योंकि लगभग 150 जवान लोग बड़ी उत्सुकता के साथ, बड़ी तैयारी के साथ, हफ्तों प्रार्थना के साथ आए थे कि बाइबल और साइंस के ऊपर हम संदेश सुनेंगे। जिनको संदेश देना है उनकी तो आवाज बंद हो गई, और विषय ऐसा है कि उसके ऊपर कोई और व्यक्ति खड़े होकर बोल नहीं सकता। मैंने उनसे कहा कि प्रार्थना कीजिए, और कोई रास्ता नहीं है। तुरंत किसी को कुछ नहीं बताया, वहाँ जितने लीडर्स थे सब लोगों को रहस्य में बुलाया गया। सबके सब एक काल कोठरी में जाकर घुटने के बल बैठकर उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु ये तो ऐसी मुसीबत हमारे ऊपर आ गई है जो आज तक हमने नहीं देखा है, आप ही इसके लिए रास्ता निकालें। मुझसे उन्होंने पूछवाया क्या करें, मैंने कहा गरम चाय ला के दो। उन लोगों ने गरम चाय, अदरक चाय ला के दी। मैं धीरे धीरे बैठ के पीता रहा। मैंने कहा लाते रहो, जब तक मैं पीता जाऊंगा तब तक तुम लाते रहो, रोको मत। अदरक की गर्मा गर्म चाय पीते पीते 15 मिनट के बाद मेरी आवाज आधी वापस आ गई। आधी आवाज वापस आ गई तो मुझे इस बात का हिम्मत हो गया कि आज तो मैं किसी ना किसी तरह से बोल सकूंगा। क्योंकि यदि आपकी आवाज कमजोर है तो माइक के पास आ जाइए, आपकी आवाज बढ़ जाएगी तो मैं बोल सकूंगा, इस बात का मुझे हिम्मत हो गया। 10 मिनट और गुजरे, मुझे संदेश देना था, तब तक 90% आवाज वापस आ गई। और उस दिन मैं माइक के ऊपर जाके खड़ा हुआ, प्रभु ने मुझे मेरी आवाज वापस कर दी। जरा सोचें, एकदम से प्रभु ने हल नहीं दिया, प्रार्थना की प्रभु ने एकदम से हल नहीं दिया। इंतजार करें, प्रभु कई बार कहते हैं वेट मेरे बच्चे, इंतजार करो। मैं कई बार ये जांचना चाहता हूं कि तुमको मुझ पर विश्वास है क्या। एक चीज और मैं समाप्त करने से पहले आपको बताना चाहता हूं, हमको जो करना है उसको करते रहें। जब मेरी आवाज बंद हो गई तो मैंने ये नहीं कहा कि आज मैं संदेश नहीं दूंगा, बल्कि मैं चाय भी पीता गया, अपने नोट्स देखता गया।
आपके जीवन में जब किसी चीज़ के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आपकी बाकी जिम्मेदारियां विश्वास योग्यता से करते रहें, प्रभु से बलवा ना करें, प्रभु से रिबेलियन, प्रभु का विरोध ना करें। सबसे बड़ी बात, यदि आज इस सभा में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, तो उस व्यक्ति को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु से आप प्रार्थना कीजिए, याचना कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आपके जीवन में सबसे बड़ी ज़रूरत समझकर उसके लिए तो प्रभु ने पहले ही रास्ता निकाल दिया है, प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लें। जो लोग पहली बार इस सभा में आए हैं उनको एकदम से ये कोई नई बात मालूम पड़ेगी, नई बात लगे, हाँ ये शायद पहली बार आप सुन रहे हैं, कोई बात नहीं है। जब कोई बात हम पहली बार सुनते हैं तो समझ में नहीं आता है, लेकिन ये भाई लोग इन बातों को सफाई से, साफ अच्छी तरह से आपको समझाने के लिए तो आए हैं। ये लोग संडे शाम को आराम से घर बैठ के टीवी देख सकते थे, लेकिन उसके बदले ये भाई लोग, ये बहनें इसलिए आई हैं कि ये संदेश आप तक पहुंच सके। इसलिए आज की सभा के बाद इस विषय के बारे में डिटेल में इन भाइयों से पूछकर इन बातों को समझना ना भूलें। तीन बातें जो मैंने आज आपको बताई, नंबर वन, समस्या क्या है इसको एक्यूरेटली समझें। जिसने आज तक मुक्ति नहीं पाई है उसके जीवन में सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसको मुक्ति की जरूरत है। समस्या क्या है इसको समझें। नंबर टू, समस्या के लिए किसके पास जाना है इस बात को समझें, प्रभु के पास जाना है। मुक्ति के लिए जब जाते हैं उसमें एक क्षण का भी विलंब नहीं होता है। कुछ बातों में प्रभु विलंब भी करते हैं, जिनमें विलंब होता है उसमें प्रभु के लिए इंतजार करें, जिसमें देर नहीं उसको तुरंत ग्रहण करें। तीसरी बात, प्रभु जब उसका फल देते हैं तब उसको ना केवल ग्रहण करें, लेकिन जब तक प्रभु फल नहीं देते तब तक प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु का इंतजार करें। इन बातों को समझने के लिए प्रभु आप सबकी मदद करें। हर संडे हम यहाँ पर इस तरह से एकत्रित होते हैं और इस सभा में सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, और इतना ही नहीं आप आते हैं हमको बड़ी खुशी होती है। ये खुशी और आनंद से भरी हुई एक सभा है, इसमें नियमित रूप से आएँ, अपने मित्रों को भी साथ लाएँ। प्रभु आपकी मदद करें। जय मसीह की।